नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। विश्व कप 2019 का आगाज हो चुका है। इस बार के विश्व कप में कुल मिलाकर 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेजबान इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारतीय टीम को भी खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 46 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 48 मैच खेले जाएंगे। इस बार का विश्व कप बदले हुए फॉर्मेट में खेला जा रहा है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा रहे इस विश्व कप में सभी टीमें एक दूसरे से टकराएंगी। मतलब 10 टीमों वाले इस विश्व कप में प्रत्येक टीम 9 टीमों के खिलाफ मैच खेलेगी। इस फॉर्मेट का इस्तेमाल सबसे पहले 1992 के विश्व कप में किया गया था। अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फाइनल मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। आइए जानते हैं क्रिकेट के इस महाकुंभ में भारतीय टीम का कब और किस टीम से मुकाबला होगा। भारत बनाम साउथ अफ्रीका 5 जून साउथहैम्पटन दोपहर 3 बजे। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 9 जून दावल दोपहर 3 बजे। भारत बनाम न्यूजीलैंड 13 जून ट्रेंट ब्रिज दोपहर 3 बजे। भारत बनाम पाकिस्तान 16 जून ओल्ड ट्रैफर्ड दोपहर 3 बजे। भारत बनाम अफगानिस्तान 22 जून साउथहैम्पटन दोपहर 3 बजे। भारत बनाम वेस्टइंडीज 27 जून ओल्ड ट्रैफर्ड दोपहर 3 बजे। भारत बनाम इंग्लैंड 30 जून एडबेस्टन दोपहर 3 बजे। भारत बनाम बांग्लादेश 2 जुलाई एडबेस्टन दोपहर 3 बजे। भारत बनाम श्रीलंका 6 जुलाई लीड्स दोपहर 3 बजे। तो वहीं पहला सेमीफाइनल 9 जुलाई ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, जो दोपहर 3 बजे को खेला जाएगा। तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल 11 जुलाई एडबेस्टन में होगा, वो मैच भी दोपहर 3 बजे ही होगा। फाइनल मैच 14 जुलाई लॉर्ड्स में खेला जाएगा। तो मैं आपको विश्व कप 2019 की भारतीय टीम के बारे में बताएं तो विराट कोहली कप्तान होंगे, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, एमएस धोनी, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी।